इस वक्त कुशीनगर से हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा दिन बड़ी सौगात मिली है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महापरिनिर्वाण मंदिर में इसके बाद वो दर्शन करेंगे। पूजन के बाद यहां जो 3 दिन का बौद्ध कॉन्क्लेव शुरू होने जा रहा है अभिधम्म दिवस के मौके पर, उसका भी शुभारंभ करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इस वक्त कुशीनगर में इन सब का प्रदर्शन किया, जो प्रदर्शनी लगाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है उसका मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को हम देख रहे हैं। यूपी का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट आज कुशीनगर को मिला है और कुशीनगर बड़ा बौद्ध तीर्थ स्थल, क्योंकि महापरिनिर्वाण स्थल है भगवान गौतम बुद्ध का। ऐसे में तमाम दक्षिण एशियाई देशों में भी इसे बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब कुशीनगर से उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है। और आज सुबह ही श्रीलंकन एयरवेज की पहली फ्लाइट लैंड हुई कुशीनगर एयरपोर्ट पर। तमाम बौद्ध भिक्षु भी श्रीलंका से इस खास मौके का गवाह बनने के लिए आए हैं कुशीनगर, और आज वो महापरिनिर्वाण मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूजन में शामिल होंगे। और ठीक उससे पहले एक खास प्रदर्शनी जो वहां पर लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनरल वीके सिंह के साथ इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं। और उत्खनन में प्राप्त बौद्ध धर्म के इंडियन टूरिज्म के लिहाज से भी एक बड़ा दिन आज माना जा रहा है। खास तौर पर यूपी में टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र आने वाले वक्त में कुशीनगर बने, इस उम्मीद के साथ, इस सपने के साथ आज उद्घाटन किया गया है कुशीनगर एयरपोर्ट का। और ये एयरपोर्ट जो है, इसका रनवे जो है, ये अपने आप में खास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रनवे है, 3.2 किलोमीटर का, 45 मीटर इसकी चौड़ाई है। और एक साथ 4 विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ को अंजाम यहां से दिया जा सकता है। और एयरपोर्ट की क्षमता जो है वो 300 यात्रियों की है, एक साथ 300 यात्रियों का लोड ये एयरपोर्ट सह सकता है। उमेश पाठक कुशीनगर से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उमेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए, वहां से जरा आंखों देखा हाल बयां करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एयरपोर्ट का उद्घाटन ही नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन ही नहीं किया है, तमाम और भी कार्यक्रम है, जिसमें 180 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से लगभग एक दर्जन जो शिलान्यास के कार्यक्रम है और उद्घाटन का कार्यक्रम है, उनके सारी चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। और खास करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के जो कवायद चलाई थी योगी सरकार ने, और खास करके पूर्वांचल को लेकर के, जिस पूर्वांचल को कभी पिछड़ा कहा जाता था, वहाँ पर इस तरह के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूर्वांचल के लिए। उन सारे कार्यक्रमों का अवलोकन कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद उनके वो जो महायाचक आए हुए हैं, महायाचक विशेष पूजा पाठ उनकी कराएंगे, और इसके बाद वो रैली स्थल पर आएंगे जहां पर कई कार्यक्रमों का उनको उद्घाटन और शिलान्यास करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको लेकर के पिछले कई दिनों से कवायद चल रही थी कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसके साथ साथ हेरिटेज को कैसे जोड़ा जाए, खास करके बौद्ध सर्किट को लेकर के। अब जो आस पड़ोस के इलाके हैं वहाँ के लोगों को फ़ायदा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ पर्यटन की अगर बात की जाए, व्यवसाय की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तो उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। लगभग 65,000 यात्री जो हैं वो तीर्थयात्री यहाँ पर उनका पिछले साल आना हुआ था। तो ऐसे माना जा रहा है कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दे दी गई है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो 8 देशों से जो भी यहाँ पर धर्मावलंबी हैं या बुद्ध, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनका अगर आना होता है तो ऐसे में पर्यटन का तो विकास होगा, यहाँ पर रोजगार का भी सृजन होगा। तो इस मकसद से इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया। बिल्कुल सही बात है, मायने बड़े हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और खास तौर पर दक्षिण एशियाई मुल्कों में जो श्रद्धालु हैं, जो बौद्ध श्रद्धालु हैं, उनकी भी उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।